वेलकम टू माई क्लास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन हंड्रेड सेवेंटी टू इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल लीगल एग्रीमेंट के बीच में दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी लेट एस स्टार्ट विद द वाइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट सेक्शन टू सेक्शन जी के अंदर वाइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सबल बाय लॉ इज सेट टू बी वर्ड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता जिसे कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता दैट इज ए वर्ल्ड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि बिल्कुल बेकार की नेचर का है उसे कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता लेटेस्ट टेकअप एन एग्जाम्पल एग्रीमेंट टू डू इम्पोसिबल एक्स आर वर्ड मैं यहां पर आपके सामने की एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं वी हैव विद मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिस्टर ए सेस टू मिस्टर बी आई विल पे यू रुपीज फाइव थाउजेंड यू ड्रॉ टू पैलर लाइन विच इफ एक्सटेंडेड मे कट अक्रॉस ईच अदर मैं तुम्हें पांच हजार रुपए दूंगा तुम दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से खींच दो जिनको आगे बढ़ाया जाए और वो एक दूसरे को कट कर दे मिस्टर बी कहता है ओके आई विल डू इट मैं ये काम कर दूंगा। स्टूडेंट बहुत ध्यान से नोट ये दो हैं, जिनको आगे बढ़ाया जाए और ये आगे जाके कट कर नहीं और एक ऑफर दी बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दी तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया बट ये एग्रीमेंट के अंदर इम्पोसिबल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कहा गया है जहां पर भी कोई एग्रीमेंट के अंदर इम्पॉसिबल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कहा गया है वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स वर्ड एग्रीमेंट कहलाएंगे अब मैं यहां पर आपके सामने इन लीगल एग्रीमेंट को डिफाइन करूंगा लॉ आर प्रोहिटेड इन लीगल शब्द का मतलब है कोई भी चीज जो कि कानून के अगेंस्ट है या जिसे कानून ने करने के लिए हमें मना किया है then that thing is illegal. एन एग्रीमेंट इज इलीगल इफ इट कॉन्ट्रोवीं द प्रोविजन ऑफ लॉ एक समझौता गैर कानूनी माना जाएगा इलीगल माना जाएगा अगर ये कानून के अंदर दिए गए प्रोविजंस को वायोलेट करता है तोड़ता है सो जहां पर कोई एग्रीमेंट किया गया जो कि किसी कानून के अंदर दिए गए प्रोविजंस को वायलेट करे तोड़े कॉन्ट्रोवीन करे दैन दैट एग्रीमेंट इज इलीगल यहां पर अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को टेकअप करूंगा हमारे पास दो पार्टीज हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी मिस्टर ए एक ऑफर देता है आई विल पे यू इन डॉलर्स इक्वल टू रुपीज टेन लैख यू किल एंड सप्लाई मी द टाइगर स्किन मिस्टर बी कहता है ओके आई विल सप्लाई यू यहां पर ये दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ A ने एक ऑफर दी बी ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया बट ये एग्रीमेंट इलीगल है हमारा कानून किसी भी वाइल्ड एनिमल को किल करने की इजाजत नहीं देता और एनिमल स्किन के अंदर ट्रेड करने की भी इजाजत नहीं देता सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का उद्देश्य अनलॉफुल है एक ऐसा काम करने के लिए कहा गया है जिसे कानून करने से हमें रोकता है सो so, कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानून करने से रोके या जो कि कानून के अंदर दिए गए प्रोविजंस के विपरीत है देन दैट एग्रीमेंट एग्रीमेंट इज इस जगह के ऊपर अब मैं वर्ल्ड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के डिफरेंस को टेकअप करूंगा द फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑल वर्ल्ड एग्रीमेंट नीड नॉट बी नेगल इन नेचर स्टूडेंट अभी आपने पैरल लाइन्स के कट करने वाला एग्जाम्पल देखा दैट एग्रीमेंट इज वर्ड एग्रीमेंट लेकिन उसके अंदर कुछ भी इलीगल नेचर का नहीं है सो ऑल वर्ल्ड एग्रीमेंट नीड नॉट नेगल इन नेचर लेकिन ऑल इीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वर्ड इन नेचर जो भी इलीगल एग्रीमेंट किया जाएगा उसे हम वार्ड डिक्लेयर करेंगे उसको हम कोर्ट के अंदर लेके नहीं जा सकते द सेकेंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ कोलेटरल

लेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएगा द थर्ड डिस्टिंक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव स्टूडेंट इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड इन केस वॉइड एग्रीमेंट्स जिन एग्रीमेंट्स को कानून ने पहले से ही व्यर्थ घोषित किया हुआ है उस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई नहीं होगा इट मीन्स अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ बेनिफिट दे दिया तो दूसरी पार्टी से वार्ड एग्रीमेंट के केस के अंदर के उस बेनिफिट को वापस नहीं लिया जा सकता बट इफ ए पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वार्ड सब्सिक्वेंटली द बेनिफिट रिसीव बाय वन पार्टी मस्ट बी रिस्टोर टू दी अदर पार्टी लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि पहले वैलिड था लेकिन बाद में किसी कारणवश वो वार्ड बन गया इस केस के अंदर अगर एक पार्टी को कुछ बेनिफिट मिला है तो वो उस बेनिफिट को दूसरी पार्टी को वापस रिटर्न करे बट इन केस ऑफ इन एग्रीमेंट द मनी एडवांस गिवन कैन नॉट बी क्लेम बैक इलीगल एग्रीमेंट के अंदर अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ दे दिया है तो उसे कानून की मदद से वापस रिकवर नहीं किया जा सकता नाउलेटस समराइज हमने तीन बेसिस के ऊपर वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के अंदर डिफरेंसिएशन किया है द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द सेकेंड पॉइंट इज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉलेटरल एग्रीमेंट एंड द थर्ड पॉइंट इज द डिफ्रेंसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा Thank you very much.